श्रीकांत, ये बस फिक्स का पहला वेब सीरीज है जिसके लिए अभी हम आज एक बसेरा स्टूडियो में हम लोग शूट कर रहे हैं मुंबई में। ये हमारी शुरुआत है और पहले दिन के साथ में हम इस बस फ्लिक्स की वेब सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है और जितने भी व्यूवर्स हैं सभी को मज़ा आएगा सब्जेक्ट में। राकेश जी, कुछ सब्जेक्ट के बारे में, या जब आपके पास ये प्रपोजल आया तो कैसे शुरुआत हुई इसकी और क्या कुछ करना चाहेंगे इस प्रपोजल को? इस प्रोजेक्ट के जो राइटर थे एहसान भाई, वो फर्स्ट टाइम मेरे पास में आया जब इस पूरी कहानी को लेकर, तो कहानी में इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि आप सोच नहीं पाएंगे। और इस इंटरेस्टिंग चीज़ों में एक ऐसा कैरेक्टर है जो हम लोगों ने हर दफ़ा देखा है लेकिन उसे फील किया है, लेकिन हमने उसके बारे में कभी सोचा नहीं है। मैं अभी फ़िलहाल नाम तो रिवील नहीं करना चाहूँगा, बट बस फ्लिक्स के अंदर में एक हमारे लिए बहुत अच्छी वेब सीरीज़ जाएगी और ये जो कंटेंट है, ये जो कहानी है, हम सबको छू जाएगी। ओके, बज फ्लिक्स की अगर बात करें तो किस प्रकार के कंटेंट इस पर देखे जा रहे हैं या आप लोग प्रीफर करते हैं उस कंटेंट को? बस फ्लिक्स के अंदर में हमारा बस फ्लिक्स का टैगलाइन है फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट। इस कंटेंट पे हम लोग बस फ्लिक्स के अंदर में जो कंटेंट बनाने जा रहे हैं पूरा फैमिली ओरिएंटेड होगा, जिसमें हमारे साथ में एक छोटा सा बच्चे से लेकर हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी, नाना नानी सब लोग देख सकते हैं। वेब के ज़माने में हर कोई गंदगी 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 चल रही है, लेकिन हमारे चैनल में कोई भी गंदगी नहीं है। हमारे चैनल के अंदर में सिर्फ और सिर्फ बस फ्लिक्स में फैमिली ओरिएंटेड कहानी होगी, जिसमें लॉजिकली आपको उस चीज़ों को सब दर्शाया जाएगा और कहानी में मज़ा आएगा, व्यूवर्स लोग बहुत पसंद करेंगे। इस वेब सीरीज़ को कब तक देख पाएंगे, दर्शक कुछ आइडिया है? इस वेब सीरीज़ को नेक्स्ट मंथ में देख पाएंगे। इसका एपिसोड्स होंगे, 5 एपिसोड्स होंगे, कहानी अच्छी होगी और काफ़ी लोगों को इस चीज़ से बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे कुछ चार्जेस होंगे, आपको कुछ ही दिनों में पता लग जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे शूट के लिए आए बसेरा स्टूडियो में और हमारे कहानी का एक ये है कि कोर्टरूम ड्रामा है, सो हम लोग यहाँ पे आए तो हम इस पे बात करेंगे। सही है। अच्छा, वेब सीरीज की बात करते हैं तो कौन कौन से लैंग्वेज हो सकते हैं? सिर्फ हिंदी रहेगा या फिर मराठी रहेगा या ओपन है? हम हर जगह पे हर लैंग्वेजेस में करने के लिए तैयार है, रीजनल में हम जाने के लिए तैयार है, लेकिन अभी हमारी शुरुआत जो है हिंदी से कर रहे हैं हम लोग और सब टाइटल्स होगा उसमें, ताकि हम लोग बाहर में विदेश में देख सकते। बस फ्लिक्स चालू के एक 7 महीने हुए और अभी तक हमारे पास 150 से ज़्यादा हमारे पास कंटेंट आए हैं। और कंटेंट जैसे राकेश भाई ने बोला है कि कंटेंट जो है हम लोग ने आउट ऑफ द बॉक्स लेने की बहुत कोशिश की है, बिकॉज आज का भी जो हम लोग का पहला दिन, आज शूट का पहला दिन है और जो सब्जेक्ट हम लोग लेके आए हैं, वो जो किरदार है, वो किरदार के बारे में किसी ने सोचा नहीं है अभी तक। जिस दिन वो किरदार आपके सामने आएगा बस फ्लिक्स के माध्यम से, तो हर एक सोचेगा अरे ये किरदार के बारे में हम लोग ने अभी तक क्यों सोचा नहीं। हर एक डायरेक्टर है, हर एक राइटर है, हर एक ने सोचा रहेगा। ऐसे ही सब सब्जेक्ट हम लोग के हैं जो भारत की मिट्टी से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं। आजकल हर एक इंटरनेशनल OTT प्लेटफॉर्म पे हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया को टारगेट किया जाता है अलग अलग ढंग से, और सही मायने में इंडिया को कैसे प्रेजेंट किया जाए वो हम हमारे चैनल के माध्यम से लोगों के सामने अलग अलग कंटेंट के ज़रिए रखना चाहते हैं, और जल्दी ही वो आपको दिखेगा। आने वाले 1 महीने में आपको बस फ्लिक्स चैनल दिखेगा, ये APK फाइल भी है, स्मार्ट TV पे दिखेगा और एंड्रॉयड और एप्पल एप्लीकेशन पे भी आप देख सकते हैं। विवेक सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा बस फ्लिक्स को कितना सपोर्ट आपकी तरफ से है, क्योंकि आप बड़े डायरेक्टर में जाने जाते हैं, उतना कैसी फिल्में आपने डायरेक्ट की हैं, तो क्या कहना चाहेंगे राकेश ठाकुर जी के लिए? मैं OTT को लेके बिल्कुल भी उत्साहित नहीं था। मुझे इससे पहले भी बहुत सारे बड़े OTT से ऑफर आए,
जहाँ पे उनका कंटेंट जो एरोटिक और सेंसुअलिटी वगैरह था, तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि मेरी इमेज भूतनाथ पारिवारिक फिल्म की है। सदा को मैं थैंक्स दूंगा जो अक्षय और राकेश से मिलाया, और मैं जब मिला तो मुझे इन लोगों के अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी लगी, इनकी नीयत अच्छी, इनके इंटेंशन अच्छे हैं, ये किसी को इम्प्रेशन मारने के लिए नहीं बना रहे। तो मुझे लगा कि ये पारिवारिक शो लेके आ रहे हैं। इनका पहला सेंटेंस ऐसे मुझे कहा कि सर हमारी फिल्म में नग्नता कुछ नहीं होगी, तो मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि देखिए छोटे बड़ा का एंगल नहीं होता है, वो पब्लिक डिसाइड करती है। जब शो बनकर आएंगे तो अपने आप पता चलेगा कि बस फ्लिक्स कितना बस क्रिएट करता है। तो मैं इसीलिए जुड़ा और मैं आज इन लोगों को विशेष देने आया हूँ कि एक अच्छा कदम उठा रहे हैं ये लोग, और भगवान करे कि ये आगे बढ़ता जाए और हिंदुस्तानी कल्चर की कहानियों को, हिंदुस्तानियत को, भारतीयता को आगे लेकर आए। इनके पास कलाकार अच्छे हैं, राइटर अच्छे हैं, और हो सकता है इन लोग मुझे भी मौका दे दें। तो इट्स लाइक अ गुड टीम, गुड फैमिली, और इनका इनकी नीयत अच्छी है। तो डेफिनेटली जी, कितना जरूरी है आज के ज़माने में कि मतलब पारिवारिक OTT प्लेटफॉर्म बहुत आगे है, बहुत लोगों को जॉब भी मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, लेकिन कंटेंट कितना ये करता है, इम्पोर्टेंट करता है, जैसे फैमिली ड्रामा ये लेकर आए हैं, बाकी और लोग भी इसी तरह इसी रास्ते पर चले, बिकॉज की बहुत सारा गंदगी आ गया है इस फिल्म में, एक बॉलीवुड फैटिलिटी होने के नाते क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ, आम लोगों से मिलता हूँ, तो उनकी हंगर एक पारिवारिक फिल्म की ही होती है। OTT पिछले 3 साल का फिनोमेना है ना, जब अपना कोरोना के काल में ज़्यादा बढ़ गया, तो सडनली लोगों को लगा कि हम ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए डबल मीनिंग डायलॉग, कस वर्ड्स, गालियाँ, अश्लीलता डालेंगे। वो सैचुरेशन पॉइंट पर आ चुका है, वो आज की डेट में इवन टैक्सी ड्राइवर हो चाहे पान वाला हो, वो भी नहीं देखना और सुनना चाहता। मुझे याद है जब इंस्टाग्राम वगैरह हम लोग फ्लाइट में खोलते हैं तो बाजू बैठा हुआ पैसेंजर रिएक्ट करता है कि ये, क्योंकि सारी फोटोज़ हैं वो बिगनी से शुरू होकर बिगनी पे ख़त्म होती हैं। इसका सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। अगर आप गौर करें तो हर फ्राइडे को हिंदुस्तान की कोई ना कोई बड़ी फिल्म फ्लॉप हो रही है। क्यों हो रही है? क्यों स्टार सिस्टम को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि कंटेंट वीक हो गया है, पैकेजिंग ज़्यादा बढ़ गई है। तो एज अ फिल्म मेकर मुझे लगता है कि जो नदिया के पार एक फिल्म थी, साधना सचिन की फिल्म थी, हम आपके हों कौन फिल्म थी, मैं भूतनाथ फिल्म है, या इस तरीके की दिलवाले दुल्हन ले जाएंगे, तो क्यों हमने बनाना बंद कर दिया? तो OTT बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम उस तरह की कहानियों को बिल्कुल घर बैठे घर तक पहुंचा सकते हैं। तो मुझे लगता है ये एक परिवर्तन है, और इस साल से आपको पारिवारिक शो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सदा जैसे लोग, विजय पाटकर जैसे सर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सालों से हम एक दूसरे को पहचानते हैं, तो एक ज़रिया था, ये ज़रिया था बसफ्लिक्स, उसके उस बहाने हम लोग ने चुन चुन के डायरेक्टर्स और राइटर्स को लाया है, और स्टोरीज़ हम लोग ने जो चुनी हैं उनके सब्जेक्ट कहीं ना कहीं फैमिली से और हमारी भारतीय परंपरा से, कल्चर से कनेक्टेड हैं, और वो स्टोरीज़ हैं जो आपको देखने को मिलेगी। और बसफ्लिक्स के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ही सब्जेक्ट हमारे भारतीय प्लेटफॉर्म्स पे आए और लोग देखें और सराहें। ओके सदा सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सभी सदा चालीसा पढ़ रहे थे, क्या कुछ कहना सदा चालीसा? एक्चुअली जो कंटेंट है फिल्म का, वेब सीरीज का, वो बहुत ही बढ़िया है, और जो कैरेक्टर जैसे उन्होंने बताया कि वो रिवील नहीं कर सकते हम लोग, वो कैरेक्टर बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िया है और मेरे दिल के बहुत करीब है। और मेरा जो कैरेक्टर है, बिल्कुल मेरा कैरेक्टर एक वकील का है, जैसे कि आप लोग नॉर्मली अदालत के बाहर देखते हैं, जैसे जैसे क्या बनाते हैं अग्रीमेंट वगैरह के लिए, छोटे छोटे मतलब बहुत बड़ा वकील नहीं है, उस तरह का कैरेक्टर है, लेकिन बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है। अब वो जब मैं प्ले करूँगा आप लोग देखेंगे तो आप ही लोग बताएंगे कि कैसा है। और बाकी का सर जो सीरीज़ है वो बहुत बढ़िया बनने वाली है, क्योंकि विजय पाटकर जी बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले करेंगे, मुझे पूरा 101% विश्वास है। एक लास्ट सवाल राकेश जी से, दिलीप शर्मा जैसे से जुड़ रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे, कितना फायदा होगा? ये हमारा सौभाग्य होगा कि विवेक सर जैसे इतने मींस आज इंडस्ट्री में इतनी बड़ी बड़ी हिट्स दिए, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ में काम किया है, उनका एक्सपीरियंस, वो हमारे ऑफिस में जब आते हैं तो हमें हर एक चीज़ों के ऊपर में वो बताते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं ऐसा करो। तो एक ये हमारे एक फैमिली का हिस्सा है, इंडस्ट्री में इनका नाम अच्छा है, इन्हें एक अच्छा अनुभव है बॉलीवुड का। सो ये हमारे लिए एक बहुत 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 बड़ा सरप्राइजिंग होगा कि जब भी ऑफिस आते हैं ना, एक ऊर्जा मिलती है, एक पॉजिटिविटी, एक एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी की हमको ज़रूरत है, और ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े ये हमारी इच्छा है। या इट्स इंटायरली कोर्ट रूम ड्रामा, फैमिली ड्रामा। इस तरह के केसेस जब होते हैं तो मज़ा आता है। मुझे इसमें एक और चीज़ अच्छी लगती है जो है कि बाप और बेटी का कनेक्शन, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है।
आपके बगल में राकेश ठाकुर बैठे हैं बजफ्लिक्स के ओनर, तो बजफ्लिक्स को लेके क्या कहना चाहेंगे? जब मैंने बजफ्लिक्स के बारे में सुना था, इनकी पहली चीज़ ये थी कि ये फैमिली ड्रामा होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट देन एनी अदर ओटीटी, जो आई थिंक अभी की रिक्वायरमेंट है. हम एक ही तरह का कंटेंट देखते के बोर हो चुके हैं, वी नीड मोर ऑफ इट. एक और चीज़, हमें कुछ ऐसा चाहिए था जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ बैठ कर देख सकें. सिर्फ बच्चे ही अपने मोबाइल में ऐप्स डाउनलोड नहीं करें, ये डिफरेंट होगा कि बजफ्लिक्स को पेरेंट्स डाउनलोड करना चाहेंगे. बहुत ज़्यादा ये किरदार जब मैंने सुना था, कुछ खास वजह, आई थिंक मेरी आवाज़ जो बहुत दमदार है वो आपको सुनाई देगी और फिर आपको लगेगा कि कास्टिंग बिल्कुल परफेक्ट हुई है, यही आवाज़ हमें इस कैरेक्टर के लिए चाहिए थी. आई थिंक 2 साल हो गए मुझे ऐसा कैरेक्टर का इंतज़ार था, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. सच देखने जाओ तो मैं पहली वेब सीरीज कर रहा हूँ. आज तक मैंने 200-300 फिल्में कर चुका हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मुझे इन्होंने बताया, ये ऐसे ऐसे कैरेक्टर है, एक अदरली जो कैरेक्टर है वो आगे जाके क्या बनता है. अभी तो मैं कुछ खोलना नहीं चाहता स्क्रिप्ट के बारे में, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, लीड कैरेक्टर है, लेकिन ऐसा कैरेक्टर भी हो सकता है कि इनकी बदौलत हो चुके हैं. और सदा मेरा दोस्त बताया और हम कैसे वो आगे स्क्रिप्ट लेके जाते हैं, मेरी 2 बच्चियाँ हैं वो कैसे फाइट करती हैं, ये सब ऐसे नाम तो बताना नहीं है ना, लोगों के नाम बताना. बहुत चीज़ें ऐसी बोलना चाहता हूँ, ये बोलो ये मत बोलो, वो मत बोलो यार. कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल चाहिए. आज क्या ही जनरेशन, देखो ये तो मिस्ट्री है, मिस्ट्री तो कभी भी चल रही है, कब क्यों और कहाँ से आज तक फॉरेंसिक तक चल रही है, तो ऐसे चलने वाला है. थ्रिलर हो या मिस्ट्री हो तो चलने वाला है और 100 साल भी चलने वाला है, लेकिन डिफरेंट वे से यह ट्रीटमेंट है, स्क्रिप्टिंग डिफरेंट वे से, कैरेक्टर ही मेरा डिफरेंट है, एक ऑर्डरली कैरेक्टर कैसे इसमें इन्वॉल्व होता है और ये आगे कहानी जाती है, ये सब्जेक्ट है. हम लोग अपना चैनल को प्रमोट कर रहे हैं, नॉर्थ में ये नाम होता ही नहीं, हमारे कैरेक्टर का नाम है शांताराम, नॉर्थ में संतराम होता है, शांताराम होता ही नहीं. तो एक आदमी जो 20-22 साल से नॉर्थ में रह रहा है महाराष्ट्र, उसका अपना करेक्टर इस कहानी को बहुत बखूबी से आपके सामने लेके आएगा. आपको एक हमेशा एक ह्यूमर रहेगा, कितनी भी समस्याएं हो, क्योंकि कोर्टरूम ड्रामा है, तो एक स्माइल हमेशा फेस पे बनी रहेगी. अगर हम विजय सर की बात करते हैं तो विजय सर को ना हमने हमेशा लोगों को हंसाते हुए गुदगुदाते हुए देखा, या हम पहली बार विजय सर का नया पहलू आपको दिखाएंगे. एज ए एक्टर उनमें बहुत पोटेंशियल है, और अब जो वक्त है, मतलब वी ऑल आर लकी कि जितने एक्टर थे जिनको हमने सिर्फ कॉमेडियन माना है, इस दौर में उनको मौका मिला है अपने आप को साबित करने का कि वी हैव सो मैनी अदर कलर्स ऑल्सो. तो इस वेब सीरीज में पहली बार आप सर के इस तरह के कलर देखेंगे, हिंदी में इतना सीरियसली आप कैसे पूरे मजमा को संभालते हैं, उनको साथ लेके चलते हैं. तो दिस इज द, मैंने आपको पूरा रूप बता दिया बाहर का, दिस इज व्हाट वी है. और हमारी जो कास्टिंग है, अभी आपने सिर्फ 2 लोग हैं, बहुत ही प्यारा सा बुके है आपको, सेमी नोन, नोन, न्यू कमर्स, सबका बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक मिलन है. और साथ में ना हर चेहरा वैसा है जैसा कि एक आम चेहरा होता है. हमने बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, 6 पैक्स और ब्यूटीफुल, और जैसे होता है ना कि नॉर्थ में हर सुंदर लंबे लड़के कहते हैं तो हीरो बन जाना, हमारा कोई हीरो ऐसा नहीं है. तो यहाँ जिसको अच्छी एक्टिंग आती है वो इस ग्रुप का हिस्सा है, और टीम सबने मिलके लिखाई से लेके अभी तक आने तक अपनी अच्छी मेहनत कर रही है. बनाने से पहले हम सब लोग यही कहते हैं, कमाल का काम कर रहे हैं, मेहनत सबकी है, अब आपको ये पसंद आएगा तब हमारे मेहनत का रिजल्ट सामने आएगा.